बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो टॉपिक है वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नील बोहर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन करता है, उसके अलावा स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करता है मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके पास्टुलेट्स जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पास्टुलेट्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट्स, दीज ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड, ये फिक्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन नो गेन और लॉस इन एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ना वो एनर्जी गेन करेगा ना ही लॉस करेगा। जिस तरह से ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं कि ये सेकेंड ऑर्बिटल में मूव ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, अगर वो यहां पे मूव कर रहा है तो वो यहीं पे मूव करता रहेगा जब तक वो सेकेंड ऑर्बिटल में ऑर्बिट में मूव करेगा, ना तो वो कोई एनर्जी एमिट करेगा और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है कि वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कब, जब वो जंप करेगा। अगर वो जंप करके टू से फर्स्ट में आ जाए तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो फर्स्ट में हो और सेकंड में आ जाए तो उस सूरत में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वो या तो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। एमिट कब करेगा, जब हायर लेवल से लोअर में जाएगा, और एब्जॉर्ब कब करेगा, जब लोअर से हायर में जाएगा। ठीक है, और कितनी एब्जॉर्ब करेगा, वो होगा इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, जितना इन दोनों ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वो लाइट या तो एमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट का, वो फिक्स्ड है, उसको हम निकालेंगे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई से। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई, और अगर है एन इज इक्वल टू 2 तो ये क्या होगा, एम वी आर इज इक्वल टू 2h ओवर 2 पाई, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, h ओवर पाई आ जाएगा। और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो एम वी आर इज इक्वल टू 3h ओवर 2 पाई, इसी तरह से सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हर ऑर्बिट का फिक्स है। इसका क्या होगा, एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई, ये इसको मैं रेड से लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑर्बिटल ऑर्बिट का मोमेंटम क्या होगा, ये वाला जो है, एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई। ठीक है, इसका क्या होगा सेकेंड वाले का, एम वी आर इज इक्वल टू सिंपल एच ओवर पाई आएगा। और अगर थर्ड ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिट होगा, तो उसका ये वाला मोमेंटम आएगा। ठीक है, मोमेंटम जो है हर ऑर्बिट का वो फिक्स है। इसी के साथ अब हम देखेंगे नेक्स्ट के इक्वेशन बनाई थी, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है कि ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच ओवर एन स्क्वेयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी भी स्पेसिफिक होती है, ठीक है, मोमेंटम भी ऑर्बिट का फिक्स होता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच ओवर एन स्क्वेयर। अब ये एन क्या है, ये है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको बोहर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 कुछ भी, सो ऑन। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आर एच क्या है, आर एच है जी रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 2.28 × 10⁻¹⁸ जाऊ। ठीक है, अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि एनर्जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे जो मर्जी वैल्यू हो एन की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मर्जी हो, एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव ही होगी।
जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, लोएस्ट एनर्जी अगर होगी तो स्टेबिलिटी उतनी ही मोर स्टेबल वो एटम होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट क्या होती है। लोअर एनर्जी जो स्टेट है उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू जब वन होगा तो ये क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्साइटेड स्टेट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी ऑर्बिट, वो कौन कौन से हैं, वो एन टू भी हो सकता है, एन थ्री भी हो सकता है, ठीक है, ये एन टू भी हो सकता है, एन थ्री भी, एन वन नहीं होगा, क्योंकि अगर एन वन होगा तो ये ग्राउंड स्टेट होगी, और अगर एन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी है तो ये क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब एन की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है, एन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है। बाकी ऑर्बिट ऑर्बिट की एनर्जी इससे कम होगी, जीरो से कम होगी, तो हमेशा वो माइनस में आएगी, इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी के साथ क्या साइन होता है, माइनस का साइन होता है। जी अब हम देखेंगे एनर्जी डिफरेंस, ये मैंने ऑर्बिट ड्रॉ किए हैं, ठीक है, थीके? ये सेंटर में जो रेड डॉट है ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम मैंने एन आई का है, आई स्टैंड फॉर इनिशियल स्टेट, ठीक है, और एन आई मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, और इसकी जो एनर्जी है वो ई आई है। इसी तरह से जो सेकंड ऑर्बिट है उसको मैंने कहा है एन एफ, फाइनल उसको का है, और ई एफ क्या है, उसकी फाइनल एनर्जी है, ठीक है, फाइनल स्टेट की एनर्जी है, और ये क्या है, इनिशियल स्टेट की एनर्जी है। अब हमने दोनों का डिफरेंस लेना है। हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है तो वो कोई एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। अब अगर वो यहां से इधर जाएगा तब वो एनर्जी एमिट करेगा, और अगर इधर से इधर आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये जो दोनों का डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी का वो फोटॉन या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। तो डेल ई किसके इक्वल आ जाएगा, एनर्जी फाइनल स्टेट की माइनस एनर्जी इनिशियल स्टेट की किसके इक्वल होगी, एच न्यू के, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन टू। पीछे हमने इक्वेशन वन बनाई थी, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच ओवर एन स्क्वेयर, ठीक है, एन स्क्वेयर को हमने कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए भी, इनिशियल स्टेट के लिए भी, और फाइनल स्टेट के लिए भी। जब इनिशियल स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे तो ई आई इज इक्वल टू माइनस आर एच ओवर एन आई स्क्वेयर आ जाएगा, और जब फाइनल स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे तो ई एफ इज इक्वल टू माइनस आर एच, क्योंकि आर एच कॉन्स्टेंट है, ये रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ एन आई और ई ये दोनों चेंज होगी, क्योंकि यहां पर इन्हीं के चेंज किया गया है, डिवाइडेड बाय एन एफ का स्क्वेयर मतलब फाइनल ऑर्बिट का स्क्वेयर और उसकी एनर्जी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों इक्वेशन का क्या आ जाएगा, ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू, पहले एफ वाले को लिखेंगे फिर आई वाले को लिखेंगे, ये माइनस का साइन ये वाला है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब एन एन आई स्क्वेयर जो डिवाइडेड में है ये शुरू में आ जाएगा, क्या बनेगा, आर एच ओवर एन आई स्क्वेयर माइनस आर एच ओवर एन एफ स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, इसको हम शुरू में लिख लेंगे, ये माइनस रहेगा फाइनल स्टेट वाला ऑर्बिट, इसको हम एंड पे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको लिखा आर एच इज इक्वल इंटू वन ओवर एन वन स्क्वेयर एन आई स्क्वेयर माइनस वन ओवर एन एफ स्क्वेयर, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर थ्री। ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर थ्री बन गई है। अब हमारे पास हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर टू के डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, तो न्यू किसके इक्वल होगा, अब आपको पता है न्यू किसके इक्वल होगा, न्यू होगा जी ये एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइडेड हो जाएगा, डेल ई ओवर एच इज इक्वल टू न्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन फोर में पुट करेंगे किसकी वैल्यू, डेल ई की, डेल ई की कहां से, ये है डेल ई की वैल्यू इक्वेशन थ्री से, ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू आगे क्या था, डेल ई ओवर एच, डेल ई की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन थ्री से, वो क्या है, आर एच इंटू वन ओवर एन आई स्क्वेयर माइनस वन ओवर एन एफ स्क्वेयर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एच ये वाला आएगा, ठीक है, डेल ई के साथ जो आया था, क्योंकि ये इक्वेशन इसमें हमने वैल्यू पुट किया है, न्यू इज इक्वल टू डेल ई ओवर एच, डेल ई की ये वाली वैल्यू थी एच को निकाल के, डिवाइडेड बाय एच ये कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ जाती हैं, वो क्या है, एन एन आई जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इनिशियल स्टेट का, और एन एफ क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फाइनल स्टेट का। अब कहते हैं अगर फाइनल स्टेट की जो एन एफ है ये ग्रेटर देन है
किसकी निस्बत, एन आई की निस्बत, तो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि एन आई ग्रेटर हो किसकी निस्बत, एन एफ की निस्बत, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनिशियल स्टेट का ज्यादा हो किसकी निस्बत, फाइनल स्टेट की निस्बत, तो उस सूरत में एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब एनर्जी के साथ कहते हैं हमेशा नेगेटिव का ही साइन आएगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव हो सकती है, एनर्जी जो है वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास न्यू की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, वो क्या है, सी बाय लैम्डा, तो सी बाय लैम्डा है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सी बाय लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर 5 है ये। ठीक है, इक्वेशन 5 में क्या करेंगे, सी बाय लैम्डा पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 5 थी, तो न्यू की जगह क्या आ जाएगा, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू आगे यही आर एच ओवर एच इंटू वन ओवर एन आई स्क्वायर माइनस वन ओवर एन एफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सी इधर ऊपर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो वन ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच ओवर एच सी इंटू वन ओवर एन आई स्क्वायर माइनस वन ओवर एन एफ स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था वेव नंबर न्यू बार, न्यू बार किसके इक्वल होता है, वन ओवर लैम्डा के, तो यहां पे न्यू बार आ जाएगा वन ओवर लैम्डा की जगह। फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच ओवर एच सी इंटू वन ओवर एन आई स्क्वायर माइनस वन ओवर एन एफ स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई जी फाइनल इक्वेशन। अच्छा जी, उसके बाद अब हम अगर देखें जी, ये है जी मैंने नंबर लिखे हैं, ये है क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एन सिक्स एन सेवन। अब हम स्पेक्ट्रा देखेंगे, अगर यहां से हायर, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है हायर एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट ये वाली। ठीक है। अब अगर हर स्टेट से 2 से भी इलेक्ट्रॉन 1 में आए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी, सबसे 1 में आए, तो ये बनाएगी लाइमन सीरीज। ये क्या बनेगी, लाइमन सीरीज बनेगी, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। अच्छा जी, उसके बाद है अगर सारी की सारी डी एक्साइटेशन आए सेकेंड में, फर्स्ट में ना आ जाए, अगर हायर ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड में आ जाएं, वो फर्स्ट में ना जाएं, तो ये क्या बनाएंगे, बाल्मर सीरीज। ये ऑब्जर्व की थी बोहर ने। ठीक है। और ये होती है विजिबल रीजन में, इसका जो फोटॉन है उसकी वेवलेंथ कितनी है विजिबल रीजन में, ठीक है, वो 400 से 750 के बीच में ये हमें नजर आएगा। इसको कहा था कि सारी की सारी जब डी एक्साइटेशन सेकेंड में होगी एंड टू में होगी, फर्स्ट में नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएगी, बाल्मर। ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड में होती है तो ये पास्चेन है, ये पास्चेन सीरीज है। ठीक है। अगर फोर्थ में होती है तो ये फोंड सीरीज है। ये दोनों इंफ्रारेड रीजन के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये यहां से हमारे पास बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर मूव करते हैं। ठीक है। उनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, अगर हम देखें तो उनका रेडियस भी कैलकुलेटेड है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है और क्वांटाइज्ड रेडियस होता है। अब इन मोस्ट ऑफ केसेस कहते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है ये विजिबल रीजन में आ जाता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, और उसके फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में होती है, उसको हम आम आंख से देख सकते हैं। अब बोहर का जो मॉडल था ये एक्सप्लेन करता था स्पेक्ट्रा किसकी, हाइड्रोजन एटम की और ऐसे तमाम एटम जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट हमने देखने हैं जी डिफेक्ट्स किसके, बोहर के मॉडल के। ठीक है। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है जी, सबसे पहला डिफेक्ट क्या है कि नो एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता। अब इसका मतलब क्या है, देखें ये बाल्मर सीरीज को हम लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल से सेकंड में आता है तो ये जो आएगी इसको बोलेंगे वेवलेंथ एच अल्फा, क्या बोलेंगे, एच अल्फा बोलेंगे। ठीक है। अब बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, लेकिन जब इसी एक लाइन को, ये जो एच अल्फा है ये क्या है, एक इस तरह से ये लाइन है ये वाली, ये मैं आपको ये बता रही हूं ये वाली, इसी एक लाइन को ये बोहर के अकॉर्डिंग है। ठीक है। लेकिन अगर इसे ही हम हाई रिजॉल्विंग पावर फोटो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से देखें, हाई
हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से अगर देखा जाए या स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए तो कहते हैं इस लाइन के अंदर क्या है, पांच छोटी छोटी इस तरह से लाइनें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बोहर का मॉडल जो है वो एक लाइन को तो बताता है, लेकिन इस लाइन के अंदर जो पांच लाइनें हैं या जो फाइन स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। अब इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटम नंबर नहीं है, एक से ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा था उसके अंदर शेल, सब शेल, ऑर्बिटल सारा कुछ है, ठीक है। तो एक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि फाइन लाइंस के स्ट्रक्चर को एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इसका सेकंड डिफेक्ट था कि ये एक्सप्लेन नहीं करता किसको, स्पेक्ट्रा को। किस स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रा, सबसे पहले देखें एक्सप्लेन किसको करता है, ये हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके अलावा ये हीलियम पॉजिटिव वन को एक्सप्लेन करता है, दो इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव वन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। उसके अलावा ये लिथियम, तीन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर तीन होता है ना, अब प्लस टू का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। ब्रिलियम चार एटॉमिक नंबर है, इस पे है +3, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये चारों की चारों स्पीशीज हैं मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। अब हमारे पास जो बोहर का मॉडल है वो इनके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छी तरह से इनको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर हम बात करें हीलियम की, अगर हम बात करें लिथियम की जिसपे कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव, अगर हम बात करें ब्रिलियम की, तो इनके स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। इनके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि इनके अंदर अब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो गए हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन एक होता तो उनको एक्सप्लेन कर देता, इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो गए हैं तो ये इनको भी एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट थर्ड जो इसका डिफेक्ट है जी, थर्ड जो इसका डिफेक्ट है वो क्या है कि बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिटल में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन कहते हैं ये है वन डायमेंशन के लिए, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एटम का जो मॉडल है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है। एटॉमिक इसके अकॉर्डिंग फ्लैट है, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि एटम का मॉडल इस तरह से फ्लैट नहीं है, एटम सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव, ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है जी ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीमैन इफेक्ट क्या है। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास है एक्साइटेड एटम है, एक्साइटेड का मतलब क्या है समझ गए हैं ना, ये हमारे पास है एक्साइटेड एटम्स, मतलब हायर एनर्जी लेवल में इस तरह से ये इधर होंगे, ठीक है, यहां पे होंगे, यहां पे, ठीक है। अब ये एक्साइटेड कोई भी एटम है इसको जब हम रखेंगे, ये सपोज हमारे पास एक्साइटेड एटम्स हैं काफी ज्यादा हैं, यहां पे हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो पहले जब इनकी डी एक्साइटेशन होती थी तो एक लाइन बनती थी, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये है जी एक्साइटेड एटम, इनकी जब डी एक्साइटेशन होती है, ये मैं एरो पे लिख रही हूं डी एक्साइटेशन, तो ओनली वन लाइन बनती है इस तरह से, एक लाइन, ठीक है। लेकिन अगर एक्साइटेड एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो एक लाइन नहीं बनती, एक से ज्यादा लाइन बनती हैं। जो हमारे पास बोहर का मॉडल है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब वो जी, इसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट के लाइन ज्यादा हो जाना, ठीक है, वो ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद है अगर हम एक्साइटेड एटम को रख दें, ये एक्साइटेड एटम ही है, इनको डी एक्साइटेशन के लिए रख दें किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। डी एक्साइटेशन जब कोई फील्ड नहीं था, एक लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एक से ज्यादा लाइन बनी,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी एक से ज्यादा लाइन बनेगी। अब ये जो इफेक्ट है ये कहलाएगा स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक्साइटेड एटम है, अगर कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है, डी एक्साइटेशन होगी, एक लाइन नजर आएगी। लेकिन अगर हम इन्हीं एक्साइटेड एटम को रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये स्प्लिट हो जाती है। इसको बोलते हैं क्लोजली स्पेस्ड लाइन में, इसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। और अगर इन्हीं एक्साइटेड एटम को रख दिया जाए डी एक्साइटेशन से पहले कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब भी जो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी वो फाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक से ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। जो बोहर का मॉडल है ना, तो वो जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है और ना ही वो स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। ये भी इसका मेजर ड्रॉबैक है। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल है वो फ्लैट है, लेकिन आगे समर फोल्ड ने भी एक्सप्लेन किया था, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे कि पांचवा जो पॉइंट है, एटम का मॉडल फ्लैट नहीं है, इस तरह से एलिप्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर, एक फोकाई के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।